ठीक तो है यार, गिर जाएंगे गिर जाने यार, गिर जाने यार, क्या फर्क पैंदा गा इतना कटना गा, गिर जाने के कोई फायदा नहीं गा। ये किसका है? मेरा है। थोड़ा सा ठीक है तो मैडम सारे गिर जाने या नहीं? चक्री भरा वायर ना लाइए हुन आराम ना आराम ना। देखिए देखिए बोलो अज आम आदमी पार्टी का एक वफद सारे समूह एम एल ए साहबान का, मनजीत सिंह बिलासपुर जी, गुरमीत सिंह मीत खेर जी, प्रिंसीपल बुद्ध राम जी, कुलवंत सिंह पंडोरी जी, जय किशन सिंह, कलतार सिंह संधमा जी, सरदार बलदेव सिंह जी, साड़ी बड़ी भैन सरबीत कौर माणुके जी, समुचे एम एल ए साहबान जोड़े है पंजाब के मानयोग गवर्नर साहब को लेकर आएंगे, क्योंकि दो बड़े इंपोर्टेंट इशू जोड़े है गे अज के बहुत बड़े दो इंपोर्टेंट इशू ने। सब तो पहला इशू की आ कि हिंदुस्तान के केंद्र की बीजेपी की जी सरकार आ गई, मोदी साहब की जी गौरमेंट आ, उन्होंने एक होर काला कानून, उन्होंने एक होर मैं समझता एक जबर जनाह जोड़ा हैगा पंजाब के किसान किया गा, देश के किसान किया गा, आ एक ऑर्डिनेंस जोड़ा हैगा केंद्र सरकार ने पास किया गा, ये ऑर्डिनेंस जोड़ा है गा बेशक उन्होंने कहा गा कि असी एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जारी किया गया, क्योंकि जोड़ा हवा के पोल्यूशन आ, हवा के पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इन्ना समय से फैल जाता, उसको लैके केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किया गा, और उस ऑर्डिनेंस से उस समय उस वक्त देश के राष्ट्रपति साहब ने मोहर ला दी, और जोड़ा इस समय कानून बन के देश के किसान, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तो पराली की गल लैके स्टबल बर्निंग की गल लैके गल चल रही है, बहुत सारे ऑर्डर जोड़े है कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट वालों जारी किए गए हैं, बहुत सारे ऑर्डर जोड़े है गे नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वालों जारी किए गए हैं, ऑर्डर हाले तक ना पंजाब लागू किया गया ना सेंटर सरकार ने लागू किया गया। तो सारू पता गा कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने की कहा सीगा कि किसानों मुआवजा दो, किसानों मशीनरी दो, किसानों जो उन्होंने घाटा पैंता वो दो, पर लेकिन पंजाब सरकार ने कोई पैसा नहीं दिता है, ईवन के केंद्र सरकार ने कोई भी राहत जी हिंदुस्तान के किसानों जा पंजाब के किसानों नहीं दिती हैगी, बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब ने COVID-19 का करोना महामारी का बहाना ला के पंजाब की ऑनरेबल हाई कोर्ट के कहा कि साढ़े कोले करोना महामारी कारण साढ़े कोले पैसा नहीं हैगा, असी पंजाब के किसानों नहीं दे सकते, असी पंजाब के किसानों कोई मुआवजा नहीं दे सकते, असी पंजाब के किसानों सस्ते रेटा से हैक्की सीडर नहीं दे सकते, असी पंजाब के किसानों कोई मशीनरी नहीं दे सकते, ये जो एफीडेविट आ ये पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में सबमिट किया गा, और उपरों आ काला कानून सेंटर ने थोपिया गा, जिस कानून मैं समझता पूरे पंजाब का किसान जोड़ा वो होर बुरी तरह मारा जाऊगा, क्योंकि जे आप मुआवजे की गल कर लिए 1 करोड़ रुपये मुआवजे की गल की गई आ, सॉरी 1 करोड़ रुपये की हरजाने की गल की गई आ कि जोड़ा किसान पराली अग लाऊगा पराली साड़ूगा उन्होंने 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना हो सकता गा, 5 साल तक कैद हो सकती है। सो यह बहुत ही सख्त कानून है केंद्र सरकार ने लेके आता गा। सो आम आदमी पार्टी यदि निखेधी करती आम आदमी पार्टी की अज मंग सी कि काला कानून वापस होना चाहिए, क्योंकि अज के पंजाब के किसान की हालत तुहानू सारयां नू पता गा कि अज पंजाब का किसान पहले ही जिहड़े 3 बिल आए लगे जिहड़े 3 बिल बीजेपी लेके आई उन्होंने खिलाफ पूरे पंजाब के धरनों पर बैठा गा, पूरा पंजाब जो प्रोटेस्ट हो रहा, पूरे पंजाबी जोड़े है गे केंद्र सरकार के खिलाफ रोस मुजहरा कर रहे हैं, और सेंटर सरकार लगातार पंजाब के हितों जी वो ठुकरा रही है, पंजाब के हित खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि आ जरा अध्यादेश आएगा जो ऑर्डिनेंस आया गा ये भी एक मिसाल है कि पंजाब के किसान किस तरह दबाना गा, पंजाब के किसान किस तरह लताड़ना गा, पंजाब के किसान किस तरह तबाह करना गा, क्योंकि अब जेकर देखा जाए तो 1 किले का रेट कि गा, 1 किले का रेट कि 15 लाख रुपये
16 लाख रुपये। जेकर तुसीं जमीन खरीदनी होवे अज पंजाब किन्ना गा 15-16 लाख का किला गा और उहदे ते 1 करोड़ का जुर्माना। सो किसान यह जुर्माना एडा वड्डा कित्थों भरूगा। सो किसान नूं जेकर सरकार जेकर सेंटर सरकार कोई किसान नूं राहत दिंदी, जेकर सेंटर सरकार जिहड़ा नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर हैगा जां जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जेकर केंद्र सरकार ने किसानों नूं कोई राहत नहीं दी हैगी और उल्टा आ जिहड़ा काला कानून जिहड़ा हैगा पंजाब दे मत्थे ते मरता, पंजाब दे किसानां ते मरता। सो आम आदमी पार्टी आ जिहड़ा पूरा वफद जिहड़ा हैगा सी असीं जाके आवांगे। साडी मंग सीगी कि राजपाल साहब जिहड़े हैगे ने आ साडा लैटर जिहड़ा हैगा असीं मेमोरेंडम दे के आवांगे, देश दे राष्ट्रपति साहब कोले भेजण, देश दे प्रधानमंत्री साहब कोले भेजण तां कि जिहड़ा काला करोना वापस होवे। और दूसरा सब तो वड्डा जिहड़ी गल आ तुहानूं असीं पहलां भी कल भी मुखातब होए सी, जिहड़ा आ लैटर हैगा जिहड़ा कि 23-10 दा लैटर आ, 23-10 दा लैटर जिहड़ा कि RDF रूरल डिवेलपमेंट फंड जिहड़ा केंद्र सरकार ने रोकिया गा, यह भी किसानों का बहुत वड्डा धोखा गा क्योंकि पंजाब के किसानों का पैसा गा, पंजाब के लोगों का पैसा गा। ये पैसा कित्थे लगना सीगा? पंजाब दीआं मंडियां ते लगना सीगा, पंजाब दीआं सड़कां ते लगना सीगा। ये 1,000 करोड़ रुपया जिहड़ा मैं समझदा झोने की फसल से मिलता गा और 750 करोड़ रुपया लगभग वो कणक की फसल से मिलता गा। लगभग 1,750 करोड़ रुपया पंजाब का केंद्र सरकार ने होर रोकया गया क्योंकि केंद्र सरकार लगातार मोदी साहब की सरकार लगातार पंजाब के किसानों पर हमले कर रही आ, पंजाब पर हमले कर रही आ, पंजाब की इकोनमी पर हमले कर रही आ, फैडरलिज्म पर हमले कर रही आ, संघ जिहड़ा संघवाद आ संघी ढांचा गा हिंदुस्तान का उन्हें तहस नहस कर रही आ। मोदी साहब लगातार जिन्हें भी फैसले हो रहे नेगे वो पंजाब के खिलाफ हो रहे नेगे, पंजाब की किसानी के खिलाफ हो रहे नेगे, पंजाब के खेत मजदूर के खिलाफ हो रहे नेगे, पंजाब के व्यापारियों के खिलाफ हो रहे नेगे। मोदी सरकार ता ये फैसले कर रही है ता कि जिहड़ा पंजाब का किसान आ झुक जाए, पंजाब का किसान जिहड़ा है एजुकेशन वापस ले ले, पंजाब का किसान जिहड़ा काले कानूनों नूं मन लवे। पर लेकिन आम आदमी मनती है क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच विरोधी धिर की भूमिका निभा रही आ। आम आदमी पार्टी मानती है कि जिहड़े काले कानून ने गे वापस होने चाहिए ने गे और जिहड़ा ऑर्डिनेंस होया गा जिहड़ा केंद्र सरकार ने पराली नूं लैके ऑर्डिनेंस किया जारी ये तुरंत वापस होना चाहिए। और जिहड़े RDF के पैसे ने गे लगभग मैं समझदा जिहड़ा 1,750-1,800 करोड़ रुपया सालाना होना गा वो तुरंत जारी होवे क्योंकि ये पंजाब के किसान का कोई कसूर नहीं, ये पंजाब के खेत मजदूर का कोई कसूर नहीं, ये कसूर आ तो प्रकाश सिंह बादल का गा, ये दोष आ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का गा क्योंकि दोनों व्यक्ति पंजाब के लंबे अरसे तो पंजाब के बतौर मुख्यमंत्री चले आ रहे हैं। दोनों ने RDF का पैसा जिहड़ा हैगा जिहड़ा रूरल डिवेलपमेंट फंड का पैसा गा इन्होंने महसूस किया गा, इन्होंने डाइवर्ट किया गा। साड़ी केंद्र सरकार तो एक बार फिर मंग आ गई कि कैग का ऑडिट करवा के कैग का ऑडिट होवे और जिन्होंने भी ये पैसा मिसयूज किया गा या डाइवर्ट किया गा उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई होवे और पंजाब का पैसा पंजाब रिलीज होना चाहिए गा। देखो पंजाब के गवर्नर साहब ने सानू जिहड़ा भरोसा दवाया गा कि मैं जिहड़ा पंजाब तो आम आदमी पार्टी की तरफ तो बतौर जिहड़ी आपोजिशन की तरफ तो यह सारा मुद्दा सेंटर को भेजांगे, सेंटर के विचार अधीन भेजांगे क्योंकि पंजाब सरकार चुप आ, कैप्टन साहब चुप ने, हरेक मामले से पंजाब का मुख्यमंत्री मोदी साहब का साथ दिंदा गा। जिहड़ा भी काला कानून केंद्र सरकार पास करती आ कैप्टन साहब असिधे रूप में असिधे रूप में दोनों तरीकों के नाल जिहड़ा हैगा केंद्र सरकार का साथ दिंदे ने गा। काला कानून आया गा एक शब्द दा एक शब्द तक नहीं बोले है, एक रिजेंटमेंट तक नहीं भेजी हैगी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मिलने तक का समा नहीं मंगया है। सो पंजाब का मुख्यमंत्री इन्हों काले कानूनों से लगातार सेंटर के काले कानूनों से मोहर ला रहा है। शिवा जी तुम रात ट्वीट भी ऐसे किया जरा 4 तरीक उन्होंने कहा कि सारे मिल के राष्ट्रपति मिलन जान, तो तुम कह रहे हो कि असं तद जावे अगर प्रधानमंत्री। देखो ये सब नू पता गा कि राष्ट्रपति नू मिलन दा मतलब आ कि एक लोगों दियां कट्टा पाउणा, एक किसानां दियां अखां कट्टा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जिस अहुदे ने जिस प्रधानमंत्री ने यह काले कानून पास किए ने उही यह काले कानून वापस कर सकता गा। देश का प्रधानमंत्री ये काले कानून वापस कर सकता गा, देश का प्रधानमंत्री ते कोई एक्शन लै सकता गा, पर लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन साहब जिहड़े हैगे ने अपनी दोस्त वार है निभा रहे हैं क्योंकि मोदी साहब इन्होंने की पूरी लाइन जी सही आ, मोदी साहब के खिलाफ कदे नहीं जा सकते। यही कारण है कि वो मोदी साहब को
देश के राष्ट्रपति साहब को जा रहे हैं गे जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री चाहिए कि मोदी साहब को जान आम आदमी पार्टी बिल्कुल जो देश के प्रधानमंत्री को जाएंगे असी नाल जावे बिल्कुल नाल खड़ा जेकर नहीं जा सकते जे कोई हथ खड़े कर दन मैं पंजाब के मुख्यमंत्री साहब को चैलेंज करता जेकर तुहाडे दम नहीं तुसी नहीं जा सकते तुसी सानू आग्या दो असी बिल्कुल जाने तैयार असी मूहे लगन तैयार हाँ साढ़े पिछले कैप्टन साहब लगन क्योंकि कैप्टन साहब अपना याराना निभा रहे हैं कैप्टन साहब अपनी निभा रहे हैं देखो अरविंद केजरीवाल जी बदनाम करने की कोशिश जी मीडिया के एक सैक्शन वालों की गई है कि जान बुझ के किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी ने एक अजिहा घोल तैयार किया गा अजिहा एक सल्यूशन अजिहा एक हल लभ्या गा जिहदा प्रयोग दिल्ली च होया गा दिल्ली के बेशक जमीन घाटा उत्थे भी धान हुंदा गा उत्थे भी झोना हुंदा गा उत्थे जिहड़ा असीं छिड़काव किया सी पराली दे उत्ते स्टबल दे उत्ते किया सीगा वह बड़ा प्रयोगफुल होया गा और लगभग 15 दिनों दे विच वो जिहड़ी पराली सी जां स्टबल सीगी जिहड़ी आ वो बन के जिहड़ी आ खाद बन गई आ खाद के रूप में उत्ते वरती जा रही आ पंजाब सरकार क्यों मूँह च पाउंदी आ कैप्टन साहब क्यों नहीं घोल नूं लैके आउंदे कैप्टन साहब क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल की नीति से विश्वास रखते गए जब दिल्ली के जिते कि साडा मैं समझदा बहुत थोड़े हिस्से के धान हों थोड़े हिस्से के झोना हों उ दिल्ली के मुख्यमंत्री इन्ने चिंतित ने इस अग्रेरियन स्टेट आ पंजाब का मुख्यमंत्री खेतीबाड़ी मुख्यमंत्री मंत्री भी रहेगा क्यों नहीं किसानों की गल सुनता क्यों नहीं खेत मजदूरों की गल सुनता क्यों नहीं व्यापारियों की गल सुनता इतों पता लगता गा कि कैप्टन साहब जोड़े है कि हर एक गल जी मोदी साहब पास करते हैं डिटो करते हैं तो मोहर लाते हैं इतने पंजाब ड्रामा करते देखो जो ऑक्सीमीटर की मुहिम आम आदमी पार्टी ने पंजाब शुरू की उस समय यही पंजाब के मुख्यमंत्री साहब की कहते थे कि पंजाब कोरोना फैल जूगा पंजाब आम आदमी पार्टी अग ला रही है पंजाब बारे बहुत सारिया जड़िया मैं समझदा बेलोड़ियां गैर जिम्मेवार सियासी टिप्पणियां कीतियां सी बाद की होया असी 50,000 किटा असी लैके वंडांगे सो आम आदमी पार्टी बिल्कुल पंजाब सरकार नूं सहयोग देण नूं तैयार आ मैं समझदा कैप्टन साहब कहण असी आपदा जिहड़ा घोल आ उह लैके आउण नूं तैयार आ इहदे ते असी बिल्कुल जिहड़ा हैगा उह साडी पार्टी दी जिहड़ी आ एक्शन कमेटी जिहड़ी बणी हुई आ पार्टी दा ग्रुप बणिया होया उह डिस्कस कर रहे हांगे बड़ी जल्दी तुहानूं इहदे बारे दस्सांगे देखो उन्हां ऑर्डिनेंसां बारे साडी कोई गलबात नहीं हुई अज जिहड़ा आ नवां काला कानून सेंटर दा आया गा जिहड़ा पराली नूं लैके आया गा इहदे ते गल हुई आ अज जिहड़ा आरडीएफ दा जिहड़ा पैसा गा उहनूं लैके गल हुई आ अज दो मुद्दिआं ते गल हुई अज उह पुराणे इशू ते कोई गलबात नहीं हुई और पंजाब दे गवर्नर साहब ने बड़े अच्छे माहौल दे विच बड़े अच्छे तरीके दे नाल गल सुणी आ गल सुनने तो बाद भरोसा दवाया गया कि मैं सारा मामला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाल टेकअप करूँ।